एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी, और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो इस तरह से हैं, चलिए आपको बता देती हूँ मैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने लिया है खीरा, खीरा टमाटर की सब्जी है ये। यहाँ पे मैंने लिया है खीरा, खीरा तो कितना फ़ायदेमंद होता है ये हम सभी जानते हैं। खीरा लिया है यहाँ पे मैंने एक, उसे चार चार क्रॉस करके इस कट कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने लिए हैं दो बड़े टमाटर, टमाटर बिल्कुल लाल होने चाहिए, अच्छे से धो के मैंने सभी चीज़ों को कट कर लिया है। हरी मिर्च, हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा काट ली है। और प्याज, यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज बड़ा, उसे भी मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। और यहाँ मैंने लिया है आधा टेबल स्पून जीरा, और लिया है मैंने यहाँ पे लाल मिर्च, मिर्च तीखी नहीं है इसलिए यहाँ पे मैंने लिए है आधा टेबल स्पून लाल मिर्च। और यहाँ लिया है हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने लिया है आधा टेबल स्पून। और नमक, नमक अपने टेस्ट के अनुसार लेना है, ऑफिशियल है, मैंने यहाँ पे लिया है आधा टेबल स्पून नमक। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके पैन रखा हुआ है, और इसमें मैं डाल दूंगी अब मस्टर्ड ऑयल। इसमें बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी, तो ज़्यादा नहीं डालना है, लगभग दो टेबल स्पून के करीब डाल दिया है मैंने। और इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं, मस्टर्ड ऑयल गर्म होने में थोड़ा टाइम लेता है। देखिए गर्म होने लगा है, देखिए आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। और इसमें अब डालेंगे हमने जो ये जीरा रखा हुआ है, जीरा देखिए हो गया है गोल्डन, जीरा हमारा हो चुका है गोल्डन ब्राउन। और इसी के साथ हमें ये जो हमने प्याज लिया है वो भी हम डाल देंगे। सारा डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सॉफ्ट फ्राई करना है। हल्का सा प्याज होने के बाद हमें डालनी है जो हमने यहाँ हरी मिर्च ली है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। फिर से इसे हिलाएंगे, होने देते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि प्याज और मिर्च हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है। इसी के साथ जो यहाँ पे हमने खीरा और टमाटर लिया हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हमें डाल देना है मसाले, और पकने देते हैं, मिक्स कर लेंगे इस तरह से अच्छे से। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं आप देख सकते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर और खीरा दोनों में ही पानी की मात्रा होती है। इसे ऐसे ही पकने देंगे और लगभग 10 मिनट में ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनती है, हेल्दी होती है। पकने देते हैं लगभग 10 मिनट तक, और इसे ढक्कन नहीं लगाना है, खुले में ही पकाना है। चलिए इसे चला देते हैं कि नीचे चिपके ना, सब्जी हमारे अच्छे से पक रही है। तो गाइस देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है, 10 मिनट हो चुका है। हल्का सा गलना चाहिए और टाइट ही रहेगा। सब्जी हो चुकी है, चलिए गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे नीचे उतार के सर्व कर लेती हूँ। तैयार है हमारी टेस्टी और हेल्दी सब्जी। सो गाइस देखिए मैंने नीचे उतार के रख लिया है गैस से, और तैयार है हमारी टेस्टी सब्जी। सो गाइस, आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स मुझे देती रहिएगा, कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।